बातें करने वाले हैं एलोवेरा जेल को लेकर। अगर आप मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो देन यू ऑलरेडी नो आई एम ऑब्सेस्ड विद एलोवेरा जेल। मैं बहुत बरसों से एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ बहुत सारे ब्यूटी पर्पस के लिए, और इनमें से जो 5 बेस्ट यूज़ मुझे लगती है जो हमेशा मेरे लिए वर्क करता है वही मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है, ड्राई है, एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स के प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी स्किन इश्यूज है बट यू वांट फ्लॉलेस ग्लोइंग स्किन देन एलोवेरा जेल इज बेस्ट। नाउ इफ यू आर थिंकिंग देयर इज सो मेनी ब्रांड्स ऑफ एलोवेरा जेल अवेलेबल इन द मार्केट, विच वन शुड आई ट्राई, देन लेट मी टेल यू गाइस, आई हैव बीन यूजिंग बोरोप्लस एलोवेरा जेल विद द गुडनेस ऑफ ग्रीन टी, और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है। साथ साथ मैं इसे ट्रस्ट भी करती हूँ बिकॉज दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ इमामी जो कि एक बहुत ही ज्यादा वेल नोन ब्रांड है। सो अभी हम आते हैं 5 बेस्ट यूजर्स पे जो आपके स्किन को फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग बना सकता है। सो सबसे पहले हम लेंगे एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून बोरोप्लस एलोवेरा जेल विद द गुडनेस ऑफ ग्रीन टी ले रही हूँ, और इसके साथ हम ऐड करेंगे फेशियल ऑयल। जो भी फेशियल ऑयल आपके पास अवेलेबल है आप उसे ऐड कर सकते हो एंड दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। आपकी जो फेस मसाज क्रीम है वो रेडी हो जाएगी और इससे हम करेंगे फेस मसाज। फेस मसाज इज रियली अमेजिंग आपके स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए क्योंकि ये आपके स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देता है। मैं कुछ फेस मसाज टेक्निक्स यहाँ पे शो कर रही हूँ, इन्हीं को ही आप फॉलो कर सकते हो आपके फेस को मसाज करने के लिए। सो जब भी आप एलोवेरा जेल यूज़ करें आपको हमेशा ध्यान रखना होगा जो एलोवेरा जेल आप यूज़ कर रहे हो कम्प्लीटली नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो, जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल पाए। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा है मैं बोरोप्लस एलोवेरा जेल विद ग्रीन टी यूज़ कर रही हूँ। सो ये मैंने मेरे लिए और आप सबके लिए आफ्टर अ लॉन्ग रिसर्च चूज़ किया है क्योंकि इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ये 100% ऑर्गेनिक भी है। सो दिस बोरोप्लस एलोवेरा जेल विद ग्रीन टी इज अ प्रीमियम ऑफरिंग फ्रॉम बोरोप्लस। सो ये एलोवेरा जेल 100% ऑर्गेनिक होने के साथ साथ इसमें ग्रीन टी की भी गुडनेस है। सो दिस एलोवेरा जेल इज फ्रॉम द ट्रस्टेड हाउस ऑफ बोरोप्लस, और इसकी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है वो एक्ने को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। ये बहुत ही ज़्यादा एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर है डेली यूज करने के लिए, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड रखने के लिए। एंड अनदर बेस्ट थिंग इज दिस इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स लाइक पैराबिन, सल्फेट्स एंड मिनरल ऑयल्स। सो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, नॉन स्टिकी टेक्सचर है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में, और इसमें विटामिन ई भी है। ओवरऑल इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है आपकी डेली स्किन केयर रूटीन के लिए। सो आप अपने डेली स्किन केयर रूटीन के लिए इसे एज अ परफेक्ट मॉइस्चराइजर चूज कर सकते हो। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ एनलार्ज्ड पोर्स, एक्ने, पिंपल्स, सनबर्न, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और एनी ऑफ दिस स्किन इश्यूज, देन बोरोप्लस एलोवेरा जेल विद ग्रीन टी विल बी अ गेम चेंजर। जब भी आप इसे यूज करोगे यू विल फील द गुडनेस ऑफ ग्रीन टी एंड एलोवेरा जेल बोथ। सो बोरोप्लस एलोवेरा जेल विद ग्रीन टी की अमेजिंग टेक्सचर के वजह से, लाइट वेट होने के वजह से और हमारे इंडियन वेदर में इतना अच्छे से सूट करने के वजह से आप हर सीजन में डेली इसे यूज कर सकते हो। आप एक बार शावर लेने के बाद और रात को सोने से पहले इसे यूज कर सकते हो, और जैसे कि मैंने कहा है ये बना है बहुत सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट से लाइक विटामिन ई, एलोवेरा लीव की एक्सट्रैक्ट एंड साथ साथ ग्रीन टी, और ये जो सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट है इनकी बेनिफिट्स हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है। जैसे कि ग्रीन टी में होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज और विटामिन ई बहुत ही ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए। एंड द बेस्ट 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 पार्ट इज इट इज फ्री फ्रॉम पैराबिन, सल्फेट एंड मिनरल ऑयल्स, और ये 100% ऑर्गेनिक भी है। तो आप इसे बेफिक्र यूज कर सकते हो, अगर बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो रोज लगाओ बेफिक्र बन जाओ। सो अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि क्या आपको इस एलोवेरा जेल को ट्राई करना चाहिए, डेफिनेटली आपको इसे ट्राई करना चाहिए। ये बेस्ट एलोवेरा जेल है और बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी कि आप एटलीस्ट एक बार इसे ट्राई करके देखें, आपको जरूर पसंद आएगा। सो अभी आते हैं हम हमारे सेकेंड बेस्ट यूज पे जो कि है एलोवेरा आइस क्यूब। सो इस यूज के लिए आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा एलोवेरा जेल और इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा रोज वाटर।
दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इनके आइस क्यूब्स बना लीजिए, और जब भी आपको टाइम मिले या फिर जब भी आपका मन हो आप इन आइस क्यूब्स को यूज़ कर सकते हो। ये आइस क्यूब्स जो है वो आपके पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हेल्प करता है, साथ साथ आपके स्किन को एक रिफ्रेश लुक देता है। किसी भी जगह पे जाने से पहले अगर आपको लग रही है कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल दिख रही है, बिल्कुल भी रिफ्रेश लुक नहीं आ रहा है, सो आप एक एलोवेरा आइस क्यूब ले लीजिए और एक एलोवेरा आइस क्यूब को मसाज कीजिए आपके पूरे स्किन में, और आपकी स्किन जो है इंस्टेंटली रिफ्रेश दिखेगी। थर्ड बेस्ट यूज है हमारी DIY आई सीरम विद एलोवेरा जेल। सो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एलोवेरा जेल, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्लिसरीन, और ये जो एलोवेरा जेल है इसमें विटामिन ई भी है जो कि बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए। सो इस आई सीरम को आप अपने आई एरिया में मसाज कर सकते हो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए आप अपने रिंग फिंगर को यूज कर सकते हो, ये अमेजिंगली वर्क करेगा फाइन लाइंस को रिड्यूस करने के लिए, साथ साथ आपके आई एरिया को थोड़ा सा ब्राइटन अप करने के लिए। सो जिनके भी अंडर आई एरिया बहुत ज्यादा डल हो गई है उनके लिए भी ये अमेजिंगली वर्क करेगा। फोर्थ यूज है एलोवेरा शीट मास्क। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा एलोवेरा जेल, और इसके साथ आप मिक्स कर सकते हो आइदर वाटर या फिर रोज वाटर और या फिर फ्रूट जूस, और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा इस टाइप का एक कॉम्प्रेस शीट मास्क। ये इजीली आपको मिल जाएगा मार्केट से, और इसे डिप करने के बाद आपका एलोवेरा शीट मास्क रेडी हो जाएगा। इसे आप चाहे तो थोड़ा सा फ्रिज में रख के ठंडा करने के बाद भी यूज कर सकते हो, ये भी इंस्टेंटली आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, साथ साथ बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश दिखेगी आपकी स्किन। फिफ्थ यूज है हमारी एलोवेरा फेस मास्क। सो बेसिकली मैं बहुत ही ज्यादा फेस मास्क लवर हूँ, क्योंकि मुझे पता है फेस मास्क कितना ज्यादा आपकी स्किन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एंड एलोवेरा जेल इज बेस्ट आपके स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए। सो इसीलिए इस फेस मास्क में हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। तो सबसे पहले लेंगे हम एलोवेरा जेल, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रॉ मिल्क, देन हम इसमें ऐड करेंगे किसी भी टाइप की फ्लोर। मैं यहाँ पे ओट्स पाउडर ले रही हूँ, आप चाहे तो राइस फ्लोर ले सकते हो। सो इस तरीके से हमारी एलोवेरा फेस मास्क रेडी हो जाएगी मिक्स करने के साथ साथ। ये अमेजिंगली वर्क करेगा आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए। जैसे आप फेस मास्क यूज करते हो उसी सिंपल वे में आपको इसे भी यूज करना है, मतलब आपके क्लीन फेस में आपको इसे अप्लाई करना है, देन 20-25 मिनट्स आप इसे छोड़ सकते हो, देन थोरली पानी से वॉश कर लीजिए, आपको एक इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा आपके स्किन में। सो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, लेकिन जो भी लोग बहुत दिनों से शिकायत कर रहे थे कि त्रिशा आप DIY शेयर नहीं कर रही हो, उनको डेफिनेटली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना, और साथ साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हो और ऐसे ही वीडियोज़ आपको देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो अभी के लिए मेरे आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।